नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत संपूर्ण महागठबंधन द्वारा अब तक झारखंड में एक भी अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं उतारे जाने के विरोध में अकलियतों की गोलाबंदी शुरू होने लगी है। शुक्रवार को कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में धनबाद के नया बाजार इलाके में बैठक हुई है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। सभी ने एक स्वर में झारखंड के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम समाज से कैंडिडेट देने की मांग की और कहा कि जब तक लोकसभा के लिए उनके समाज से कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं होती है, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि नेताओं ने विरोध करते हुए क्या कहा है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस पर एक विस्तृत चर्चा। आला कमान तक, आला कमान में बहुत सारे गलत फीडबैक देते हैं, उसको भी उजागर करना है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि 18% मेरी आबादी है, हमको मेरा हक मिलना चाहिए। आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, आवाज़ उठाना तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये तो ज़रूरी भी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हो गया है ये बेवजह का वहम गुमान, कुछ लोगों को ये हो गया है बेवजह अकारण वहम गुमान। हम युवा, हम जानते हैं कि हमको किसको वोट देना है, कैसे देना है, लेकिन हम भी तो मुसलमान हैं, मेरा भी तो अधिकार है, हम भी तो वोट हम देते हैं। वोट किस पे दें, किस चीज़ पे दें आपको वोट, आखिर क्यों दें वोट हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हम मशीन है, वोट मशीन है कि हम आपको वोट दे के जिताएं और आप जाके किसी और को दे दीजिए। हम खाना, हम बिरयानी बनाए हम और पकाए हम और खिलाइए आप किसी और को। आला कमान। तो झारखंड में लोकसभा चुनावों में एक भी अल्पसंख्यक कैंडिडेट नहीं देने का विरोध किया जा रहा है। धनबाद में इसे लेकर एक बैठक की गई है और मुस्लिम संगठनों की ओर से यह कहा गया है कि जब तक एक प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है, हमारा विरोध जारी रहेगा। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार के पास चलेंगे और इस पर अधिक जानकारी लेंगे उनसे। राजकुमार, कल जो बैठक हुई है धनबाद में, मुस्लिम संगठन गोलबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे समाज से जब तक कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा जाएगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। इस विरोध को कैसे देख रहे हैं आप? जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनमें असंतोष दिख रहा है और सबसे अधिक असंतोष महागठबंधन से है उन्हें, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं उनके लिए। बिहार में अगर कहें तो आरजेडी की सरकार बनी हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, और अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही उसी वोट पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, उनके वजह से उनकी जीत या हार होती है। तो ऐसे में अगर उस समाज के लोगों को अगर लोकसभा में अगर टिकट नहीं दिए जाएंगे तो यह विरोध जो है वह दिखना स्वाभाविक है। और उनका यह नहीं कहना है कि सिर्फ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में दिखे, उनका कहना है कि पूरे झारखंड में जो 14 लोकसभा क्षेत्र है, कहीं भी एक कम से कम कैंडिडेट जरूर दीजिए। 18% की आबादी है मुस्लिम समुदाय की, और ऐसे में अगर उन्हें हर जगह दरकिनार किया जाएगा, सिर्फ के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष है वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े हुए जो एक नेता है वो दिखे, और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है अलग अलग भी नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ आरजेडी से जुड़े हुए नेता भी नजर आ रहे थे और कुछ जो जेएमएम से जुड़े हुए भी दिख रहे थे। इन तमाम लोगों का कहना था कि ना तो आरजेडी को नहीं जो प्राप्त मिला, ना तो जेएमएम है और ना ही कांग्रेस, यहाँ पर उनके समुदाय के लोग भागीदारी भी है, कहीं पर भी खड़ा किया है। इस परिस्थिति में वो बार बार वोट बैंक क्यों बनेंगे, क्या मुसलमान से वोट देने के लिए बने? इसके अलावा अगर पहलुओं की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि गुलबंदी है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान कैंडिडेट है धनबाद के, क्योंकि यह विरोध धनबाद में हो रहा है, और जो धनबाद के वर्तमान कैंडिडेट है अनुपमा सिंह, उनके पति जो की बेरो विधायक अनुप सिंह है, उनसे कुछ मुद्रा मोचन करना चाहते हैं।
लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते कि ये चीज, ये जो बातें चल रही थी वो आसपास में जो कह रहे थे वो इस बात को कर रहे थे, लेकिन मंच से जो बातें आ रही थी उसमें आक्रोश दिख रहा था। लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज से वोट देने के लिए नहीं है, वो सदियों से कांग्रेस का वोटर रहा है, वैसी लगते जो भाजपा को हरा सकती है उसका हिस्सा रहा है, तो ऐसे में उसे दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नाराजगी के बाद भी उन्होंने कई दफा कांग्रेस को सपोर्ट किया है, बावजूद उनको तवज्जो नहीं दिया गया। एक तथ्य भी दिया जाता है कि 2014 में कोई मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा चुनाव नहीं जीता झारखंड में, इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया, इसके वजह से इस बार उन्हें भागीदारी नहीं मिली। लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बताया जा रहा था कि एक कैंडिडेट का उन्होंने नाम बताया जो कि मैच कुछ 100 वोटों से हार गए चुनाव, तो इसका भी फर्क था उसके बाद में। तो ऐसे में उनके जो बातें हैं एक बात स्पष्ट इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार है, न सिर्फ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बल्कि अन्य लोकसभा क्षेत्र में भी, उनके लिए इस तरह की जो मांग है वो एक बड़ी स्तर की है, और इन लोगों को साधना, इन लोगों को मनाना वर्तमान जो कैंडिडेट है या फिर जो पार्टी के आलाकमान के लोग हैं उनके लिए एक मुश्किल बड़ा काम हो सकता है और इसके लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी नवीन, कुछ अहम बातों का जिक्र किया, 18% आबादी है और उस आबादी से एक भी कैंडिडेट सामने नहीं आता है लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में, तो ये जो विरोध के स्वर हैं वो बुलंद होने स्वाभाविक हैं। राजकुमार, 18% आबादी किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और अब जब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है राजकुमार, झारखंड में भी मतदान अब जल्द ही होगा, ऐसे में क्या लगता है ये जो विरोध के स्वर हैं वो वोटिंग पर क्या कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? जिस तरह से दाम की बातें हो रही थी और उन्होंने जिस तरह से मीडिया कर्मियों से बात की, उसका एक बात तो स्पष्ट कहना था कि जो कांग्रेस के आलाकमान है आलाकमान तक जाने में वो लोग नाकाम रहे हैं या फिर जिन लोगों ने जिसकी वजह से खरीदारी नहीं मिली, उसके समाज का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आ पाया। और अगर हम बात करें चुनाव की, चुनाव अब तक सफल हो चुकी है जिसमें भारत का कोई भी लोकसभा क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें झारखंड का लोकसभा क्षेत्र शामिल है और चौथे चरण में भी, तीसरे चरण में भी, और ये जो पांचवें चरण में, छठे चरण में और अंतिम चरण में, ये तमाम जो चरण बचे हुए चुनाव के तीसरे चरण के बाद से उन तमाम जगहों पर जो झारखंड में चुनाव होने हैं, इन जो नाराजगी है इन सबकी, ये जो अल्पसंख्यक समाज की नाराजगी है, खासकर मुस्लिम समाज की जो नाराजगी है, इन्हें महागठबंधन को मिल बैठ करके बांटना पड़ेगा, नाराजगी को दूर करनी पड़ेगी। और अभी भी समय है, कुछ अगर संभव है तो कैंडिडेट बदला भी जा सकता है, उनकी यह डिमांड नहीं है कि सिर्फ धनबाद में दीजिए, आप कहीं भी दे सकते हैं, और डिमांड जो है वो कहीं हद तक जायज भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि बनने के योग्य लोग नहीं है या फिर उनके पास किसी भी तरह से वो कम है, किसी मामले में कम है, चुनाव के लिए धन खर्च करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, पार्टी भी पैसे खर्च करने देती है, इसके अलावा आपका पार्टी का ग्राउंड भी मजबूत होना चाहिए। कई ऐसे विधायक है झारखंड में जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे लेकिन किसी को मौका नहीं दिया गया, तो यह एक दुखद स्थिति है, और ऐसे में जो मुस्लिम समाज का जो रुख है वो कहीं ना कहीं सकता है, और आने वाले वक्त में महागठबंधन के लिए उसकी चेयर के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, ये जो मुस्लिम संगठन अब गोलबंद होते हुए नजर आ रहे हैं राजकुमार, इसका जो संकेत है वो कुछ दिन पहले ही हमें मिल गया था। जामताड़ा से जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने काफी एक इमोशनल बयान दिया था कि वो टिकट की जद्दोजहद में शुरू से लगे रहे कि उन्हें टिकट मिल जाए या उनके पिताजी को टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिलता है, और उसके बाद एक इमोशनल वो बयान देते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे समुदाय से ना हमें किसी को टिकट दिया गया है, तो वो विरोध का स्वर जो है उन्होंने संकेत दे दिया था और वो अब जारी है, और अब कांग्रेस आलाकमान अब किस तरीके से इसे डील करती है ये भी एक चुनौती होगी। अब दावेदार थे, मंत्री भी रह चुके थे हेमंत सरकार,
लोग 45 में जब 13 महीने के लिए सरकार बनी थी हेमंत सोरेन की, उस वक्त वो विधायक भी थे और लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके बेटे कुमार मलिक जो की आईएमएसी की पार्टी है, उससे कुछ दिन पहले वो वापस कांग्रेस में लौटे हैं और वहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष चला चुके थे। यहाँ पर भी बात करें यहाँ भी कई कैंडिडेट है, चारों क्षेत्र में कई कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस का यहाँ से प्रतिनिधित्व कर सकते थे और उन्हें मौका नहीं मिला। सिर्फ धनबाद की हम बात करेंगे, गिरिडीह में भी कई ऐसे चेहरे हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य लोकसभा क्षेत्र में जाएं वहां भी कई चेहरे ऐसे हैं जिसके प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक, हमारे पीछे जो जामतारा है, जैसा जिस आपने चर्चा की, इरफान अंसारी का जो दर्द है वह भी जाहिर हो ही चुका है, तो कई चेहरे हैं। आलमगीर आलम साहब को भी खड़ा कराया जा सकता था लेकिन किसी को मौका नहीं मिला, तो यह कहीं ना कहीं एक दुखद पहलू जरूर है। और इस पर जो तमाम बड़े आला कमान के लोग हैं, अक्सर के कांग्रेस आला कमान के लोग हैं, जुड़े हुए जो बड़े नेता है, अल्पसंख्यकों की जो मांग है राजकुमार वो बिल्कुल जायज दिख रही है। और अब जब जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है, यह निश्चित रूप से आलाकमान को सोचने पर विवश करेगा कि आखिर उनकी जो मांगे हैं उसको अब किस रूप में देखना चाहिए। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।